हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। मनोहर सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज सीएम ने अपना लेखा जोखा पेश किया। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार जनता की सरकार है, जिसमें कई विकास के अहम काम हुए। सीएम ने कहा कि 100 दिन में उन्होंने 101 काम किए हैं और उनके काम करने की गति शुरू से ही तेज रही है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम तो सवाल करना ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने यह भी बताया कि बजट से पहले प्री बजट मीटिंग होगी, जिसमें विपक्ष की राय भी ली जाएगी। सीएम ने कहा कि अब हर विधायक को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की राशि दी जाएगी और उनका लक्ष्य प्रदेश को लाल दौरा मुक्त करना है। सीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वो 5 साल की पूरी प्लानिंग लेकर चल रहे हैं और आने वाले सालों में प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे। आज विपक्ष ने मनोहर सरकार के 100 दिन के काम पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सीएम 100 दिन की बात तो करते हैं, लेकिन 100 दिन में कितने घोटाले हुए ये नहीं बताते। आगे बढ़ेंगे, कुमारी शैलजा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ जुमले छोड़ती है, विकास नहीं बल्कि बातों में ही विश्वास करती है। शैलजा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जुमला शब्द हमें नहीं दिया बल्कि खुद बीजेपी ने दिया। शैलजा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, हर तरफ अराजकता है, शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई है, लेकिन सरकार सिर्फ अपना दखल कर रही है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, करारा प्रहार किया है। विज ने कहा कि अब दिल्ली की जनता केजरीवाल की असलियत को समझ चुकी है और केजरीवाल को सबक सिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के काम को देखते हुए ये साफ है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इस मौके पर गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 112 हेल्पलाइन नंबर को लागू करने के सरकार ने सीडेक के साथ एग्रीमेंट किया। सरकार ने सीडेक के साथ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ट्रेनिंग के लिए 151 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। उसने कहा कि अगले 4 महीनों में 112 हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में बनाया जाएगा। अनिल विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने 600 गाड़ियां खरीदकर हर पुलिस स्टेशन में 2 गाड़ियां दी जाएंगी। इन सभी गाड़ियों पर 112 हेल्पलाइन नंबर के लिए इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। 20 मिनट में लोगों को इससे सहायता मिलेगी। इसके शुरू होने के बाद शहर में 15 मिनट के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 मिनट के अंदर लोगों को सहायता मिल सकेगी। विज ने बताया कि ये पहले 100 नंबर हुआ करता था, लेकिन अब इसे 112 किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 100 नंबर पर कॉल करने पर वो 112 नंबर पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वह दिल्ली में मनीष सिसोदिया के ओएसडी से पैसे लेने के मामले में फंसने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री का ओएसडी बिना मंत्री की सहमति के पैसे नहीं ले सकता। अनिल विज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता आप पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और दिल्ली में ऐसी सरकार को दोबारा बैठने का मौका नहीं देगी। विज ने केजरीवाल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी का विरोध करने की जगह रोजगार की बात करने पर कटाक्ष करते हुए वो बोले कि केजरीवाल लगातार देशहित में किए जाने वाले कामों का विरोध करें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला मनसा कॉम्प्लेक्स में सेक्टर 1 में पहुंचकर उद्योग भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने उद्योग भवन को हरियाणा के उद्योगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस तरह दुनिया भर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाती है, उसी तरह से पंचकुला के अंदर हरियाणा के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। इस वन स्टॉप सेंटर में प्रदेश के सभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी। पिहोवा के रेस्ट हाउस में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुला दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्होंने हल करने के निर्देश दिए। वहीं राज्य मंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सभी अधिकारी गंभीरता से लें, काम में कोताही बरतने वालों को सहन नहीं किया जाएगा।
राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पिहोवा विकास के मामले में नंबर एक पर हो। साथ ही संदीप सिंह ने बताया कि लोगों के लंबित पड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए हर महीने खुला दरबार का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली चुनाव पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान। पूर्व सांसद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस में कड़ी टक्कर, आप और कांग्रेस को कड़ी टक्कर बताई। दीपेंद्र को कहते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से दौड़ से बाहर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस मजबूती से उभरी है, उसी तरह से नतीजे दिल्ली में भी दिखेंगे। दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक कोई विकास का काम नहीं किया है। सरकार ने पेंशन के मुद्दे पर बुजुर्गों का अपमान किया। वहीं मनीष ग्रोवर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही बताते हुए दीपेंद्र बोले कि जांच होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के खिलाफ सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम पब्लिक की समस्याओं को सुना। बैठक में करनाल के एसपी, डीसी, बीजेपी जिला अध्यक्ष और करनाल के मेयर मौजूद रहे। वहीं आज बैठक के दौरान 14 समस्याओं को सुना गया, जिसमें कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उधर दो मामलों में एडीसी और एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। खबर करनाल से। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री दिल्ली सीएम पर बरसे और कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। 25 से कम बच्चों के स्कूल को समाप्त करने के मामले में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 25 से कम संख्या वाले स्कूलों में बच्चों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि मर्ज किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री वी के सिंह यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। दिल्ली चुनाव पर बात करते हुए सिंह बोले कि जनता सब जानती है बीजेपी विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है, केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। शाहीनबाग पर वी के सिंह ने कहा कि सरकार किसी ऐसी प्रतिक्रिया में नहीं फंसना चाहती जो कि वो लोग चाहते हैं। सरकार बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजस्थान और पंजाब के बाद हरियाणा प्रदेश में बढ़ रहे टिड्डी दल को लेकर बयान दिया। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, टिड्डियों को खत्म करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की कि वो अपने खेतों का निरीक्षण करें और टिड्डी दिखने पर सूचना दें। खबर लोहारू से, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने धान घोटाले मामले को लेकर कहा कि इसमें कोई घोटाले वाली बात ही नहीं, 1% की कमी पाई गई, जिसके लिए डिफॉल्टर राइस मिलरों को नोटिस जारी किया गया है। खेड़ भूमि की पैमाइश को लेकर सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सिरसा पहुंची, जहां टीम ने ड्रोन की मदद से डिजिटल पैमाइश की। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने वायुसेना से ड्रोन उड़ाने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद केवल आधे घंटे के लिए ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दी गई। मंजूरी मिलने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने एसडीएम जयवीर यादव से की मौजूदगी में डिजिटल सर्वे का काम पूरा किया। बता दें कि सर्वे की रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने खेड़ की डिजिटल पैमाइश की। वहीं थेहड़ निवासी दीपक फुटेला ने बताया कि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए थेहड़ में पुरातत्व विभाग की केवल 35 एकड़ जमीन आती है, जिसे लेकर कोर्ट ने अदालत की अवहेलना मानी थी। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 25 फरवरी को इसको लेकर सुनवाई हो सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। अम्बाला नगर निगम ने लोगों से 20 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स उसको वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि अम्बाला नगर निगम ने लगभग 20 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स लोगों से वसूलना है, जिसके लिए अब निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी और टैक्स न भरने वाले डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर कई जगहों को सील भी करना शुरू कर दिया। इसमें शहर के नामी गिरामी प्रॉपर्टी होल्डरों के साथ साथ कई स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सख्त हुए नगर निगम ने अब एक सूची जारी की है, जिसमें शहर के लगभग 70 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इन स्कूलों कॉलेजों पर निगम का लाखों टैक्स बकाया है। बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को समझाया, साथ ही कई दुकानदारों के चालान भी काटे। बता दें कि बल्लभगढ़ के बाजार में दुकानदारों ने सड़क पर अपना सामान रखकर अतिक्रमण किया हुआ है। दुकानदार अतिक्रमण करेंगे तो होगी कार्रवाई।
दुकानदारों को पहले भी बैठक करके समझाया गया था, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार नहीं माने, जिसके बाद उनके चालान काटे गए। पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने बताया कि दुकानदारों को लगातार समझाया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से दुकानदार अतिक्रमण करते रहेंगे तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। रादौर में पीएम मोदी का सबका घर हो अपना के तहत चलाई गई पीएम आवास योजना कई लाभार्थियों के लिए मजाक बनकर रह गई है। दरअसल इस योजना के तहत सरकार की तरफ से दी जाने वाली ग्रांट राशि न मिलने से लाभार्थी अपना मकान नहीं बना पा रहे। योजना के तहत करीब एक साल पहले नगरपालिका रादौर से जारी लिस्ट में 192 परिवारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन एक साल बाद भी उन गरीब लोगों के सपने साकार नहीं हो पाए, केवल 2 परिवारों के सपने पूरे हुए। इनमें अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों को तोड़ दिया और किराए के मकान या फिर किसी धर्मशाला के कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं अधिकारी केवल ये कहकर ग्रांट राशि के लिए सरकार को लिखा गया अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव 6 महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इस बात की जानकारी अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय बवेजा ने दी। अजय बवेजा ने बताया कि 10 जनवरी को चुनाव की तिथि आ जानी चाहिए थी, लेकिन इसका परिसीमन पूरा न होने की वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनावों को 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। बीस फरवरी को कैंटोनमेंट बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव स्थगित होने से अब इसका कार्यकाल बढ़ गया। बवेजा के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी 8 वार्डों का परिसीमन अब पूरा करके रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया। अजय बवेजा ने आगे बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी पार्षदों और उपाध्यक्ष का वेतनमान भी बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया गया है। रतिया शहर में आवारा पशु लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। यह आए दिन आवारा पशुओं की वजह से कोई ना कोई हादसा हो रहा है। रतिया के टिब्बा कॉलोनी से आवारा पशुओं के कहर की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। यहां गली में खेल रहे बच्चों का गाय ने पीछा किया और कुछ दूर चलने के बाद एक बच्चे को कुचलने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां पर आसपास से कुछ लोग पहुंच गए और गाय को भगाया। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं को शहर से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दे। जज कृष्णकांत शर्मा की बीवी और बेटे की हत्या मामले में अदालत ने पीएसओ को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया, जहां जज कृष्णकांत के पीएसओ ने जज की पत्नी और बेटे को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतारा था। अदालत ने पीएसओ को दोषी करार दिया। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट फांसी का दिन तय करेगा। अंबाला विजिलेंस की टीम ने कैथल तहसील कार्यालय में एक क्लर्क को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल विजिलेंस की टीम को शिकायत मिली थी कि क्लर्क विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में रिश्वत की मांग करता है। शिकायत के आधार पर टीम ने डीएसपी रमेश कुमार की अगुवाई में एक टीम बनाई और आरोपी क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ा। रतिया के शक्तिनगर इलाके के एक घर को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोरों ने यहां घर में मौजूद नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया और अफू चक्कर हो गए। बहरहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। तो शाम पुलिस को अपहरण मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को एक शख्स ने अपने भतीजे के अपहरण की शिकायत दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और अपहरणकर्ताओं के कब्जे से युवक को सुरक्षित छुड़वाया। बता दें कि मंडोली खुर्द के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वो अपने भतीजे के साथ मंडोली खुर्द जा रहे थे, तभी साइड लेते वक्त एक बोलेरो से उनकी भिड़ंत हो गई। गाड़ी में बैठे करीब आधा दर्जन लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली और उनसे बहस करने लगे। इसके बाद आरोपी पीड़ित के भतीजे को गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गए। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए अपहरणकर्ताओं के कब्जे से युवक को छुड़ा लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान साइकिल रेस के दौरान एक महिला खिलाड़ी बेहोश हो गई। इस दौरान जब साथी खिलाड़ी उठाने के लिए आगे बढ़े तो आयोजकों की ओर से कहा गया कि खिलाड़ी अपने खेलों को पूरा करें, नहीं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फरीदाबाद में बादशाह खान अस्पताल के सिविल सर्जन कृष्ण कुमार ने अपना पदभार संभालने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत दी है कि वो मरीजों से बेहतर व्यवहार रखें। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने दावा किया कि बादशाह खान अस्पताल पहले से बेहतर नजर आएगा।
34वें हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में पहुंची सपेरा बीन मार्केट। पिछले कई सालों से मेले में लोगों का मनोरंजन कर रही है। दुनिया में अपनी बीन का जादू बिखेरने वाले रोहतास ने बीन बजाकर नाम रोशन किया। दरअसल जब से सरकार ने सपेरों से उनके सांप पकड़ने पर पाबंदी लगाई तब से वो परेशान दिखे। रोहतास का कहना है कि मेला 16 दिन लगता है लेकिन उनको केवल 7 दिन मेले में आने के लिए कहा गया, जबकि वो देश का नाम दुनिया में बीन बजाकर रोशन कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जिस तरह से दूसरे लोगों को जानवर पालने का लाइसेंस दिया जाता है वैसे ही सपेरे को भी एक सांप पालने का लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लोग देश विदेश की कला और कलाकारों से काफी प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बंजारी बैंड की थाप पर जमकर मस्ती की। बता दें कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में देशी और विदेशी कलाकारों का सही मिश्रण किया गया। 34वें सूरजकुंड मेले में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि मेले में हरियाणा कारागार द्वारा दुकान लगाई गई जिसमें हाथ से बने हुए घर की सजावट के सभी सामान खरीदे जा सकते हैं, जिसमें पेंटिंग, मंदिर, घर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें शामिल हैं। सूरजकुंड मेले में कैदियों के हाथों से बनाया हुआ सामान भी बेचा जा रहा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट अनिल कुमार ने बताया कि सीएम और जेल मंत्री के आदेश अनुसार जेल में कैदियों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि मेले में दुकान लगाने के पीछे लक्ष्य यह है कि लोगों को पता चले कि जेल जेल नहीं बल्कि सुधार गृह भी है। मेले में आए पर्यटकों को भी ये दुकान काफी पसंद आ रही है। फटाफट हरियाणा में इतना है, नमस्कार।